हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के वीडियो में बात करने वाले अपकमिंग एमटी वर्जन 3 के बारे में। देखिए दोस्तों, अभी आप लोगों को पता है कि आज है 2022 की भाई दिसंबर का 21 तारीख हो चुकी है। सिर्फ और सिर्फ 10 दिन बचे हुए हैं भाई इस साल को ख़त्म होने के लिए। तो सबसे पहले आप सभी को पहले से भाई एडवांस में हैप्पी न्यू ईयर, नया साल आप लोगों को मुबारक हो, बधाई हो। और मुझे उम्मीद है दोस्तों, इस नए साल में आप लोग जो चाहते हैं आप लोगों को ज़रूर मिलेगा। और ख़ासकर बाइक लवर्स के लिए कि आप लोग जो बाइक चाहते हो आप लोगों को वो बाइक ज़रूर मिलेगी। मेरे भाई, हमेशा मेरे दिल से दुआ है। तो चलिए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, आपको पता है कि MT15 वर्जन 3 का अब काफ़ी दिनों से इंतज़ार है, क्योंकि वर्जन 4 R15 आ गई है। MT का वेट कर रहे हैं कि कभी अपडेट होकर आएगी। तो आज की इस वीडियो में यही बात करने वाले हैं। चलिए दोस्तों, आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो को शुरू करते हैं। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल के आइकन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के नोटिफिकेशन भी आप तक पहुँचते रह सके एंड आप मेरे वीडियो से अपडेट रह सके। तो चलिए दोस्तों, आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो को शुरू करते हैं। बात करते हैं यामा की अपकमिंग MT15 वर्जन 3 के बारे में। दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं इस बाइक के चेंजेस के बारे में कि यामा इस बाइक में क्या क्या चेंजेस कर सकता है। ऑब्वियसली बात है दोस्तों, चेंजेस हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखते हैं। सो दोस्तों, आपको मैं बताना चाहूँगा MT15 वर्जन 3 में आपको सबसे पहला जो चेंज देखने को मिलने वाला है वो मिलने वाला है दोस्तों इस बाइक के स्पीडोमीटर में। देखिए, स्पीडोमीटर में ऐसा है दोस्तों कि आप लोगों को बाइक में जो स्पीडोमीटर अभी देखने को मिलता है वो फुली डिजिटल मीटर देखने को मिलता था। और भाई, ऑब्वियसली बात है, वर्जन 2 आने के बाद भी इसमें कोई अपडेट नहीं आया, सेम स्पीडोमीटर हमें देखने को मिला। लेकिन दोस्तों, आप लोगों के लिए गुड न्यूज़ है कि आप लोगों ने नहीं देखा कि देखा, पता नहीं, ज़रूर देखना कि यामा की जो MT125 आती है इंटरनेशनल मार्केट वाली, उसमें यामा ने अपडेट लाया है। उसमें आपको नया TFT डिस्प्ले देखने को मिला है, जो कि मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छा अपडेट इन्होंने दिया है। सो मैं आपको बता दूं, हमारे यहाँ की जो MT15 आने वाली अब दोस्तों, उसमें आप लोगों को सेम TFT डिस्प्ले देखने को मिलेगा, जो कि मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छा जो अपडेट आपको बाइक में देखने को मिल सकता है। और ऑब्वियसली बात है दोस्तों, ये जो TFT डिस्प्ले है अभी हर जो कंपनी वो यूज़ कर रही है भाई। यहाँ तक राइडर 125cc में यहाँ पे TVS वालों ने दे दिया, तो ऑब्वियसली बात है भाई, यामा पीछे नहीं रहेगी। आपको MT15 वर्जन 3 में ये सबसे पहला जो अपडेट है वो देखने को मिल सकता है। बात कर ली दोस्तों नेक्स्ट अपडेट के बारे में, तो है दोस्तों इस बाइक में डुअल चैनल एंटीलॉक ब्रेकिंग सिस्टम। ऑब्वियसली बात है, इंडियन मार्केट में डुअल चैनल एंटीलॉक ब्रेकिंग सिस्टम के लिए MT15 में बहुत दिनों से हम लोग इंतजार कर रहे हैं कि यामा अब देगा, बट नहीं आया। वर्जन 1 में नहीं आता था, लगा था वर्जन 2 में आएगा, बट इन्होंने वर्जन 2 में भी नहीं दिया। लेकिन कोई बात नहीं, मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, अब 110% आप लोगों को नई वाली MT15 वर्जन 3 में डुअल चैनल एंटीलॉक ब्रेकिंग सिस्टम देखने को मिलेगा। इसके जो चांसेस है वो बहुत ज़्यादा है। और बात चांसेस की भी तो है, लेकिन साथ में ये इंपॉर्टेंट अपडेट भी रखता है MT15 के लिए। बात करें नंबर 3 अपडेट के बारे में, तो है दोस्तों किक शिफ्टर। अब आपको पता है कि R15 V4 में यामा वालों ने किक शिफ्टर दे दिया, लेकिन इन्होंने अपनी MT15 में किक शिफ्टर नहीं दिया, जिसके जो मुझे लगता है ना, मतलब जो ये यामा की थिंकिंग है ना भाई, बहुत ज़्यादा गलत है। क्योंकि यार, आप R15 V4 में सेम इंजन यूज़ कर रहे हो, और भाई यहाँ पे R15 V4 पहले आई थी वर्जन 2 MT से, तो ऑब्वियसली बात है नया इंजन आपने उसमें किया, तो उसमें क्यों नहीं दिए? मेरे हिसाब से तो भाई उसमें भी ये चीज़ होनी चाहिए। और नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, वर्जन 3 MT15 में आप लोगों को किक शिफ्टर ज़रूर देखने को मिल जाएगा। बात करें नेक्स्ट अपडेट के बारे में दोस्तों, तो इस बाइक में कलर एंड ग्राफिक ऑप्शन। अब ऑब्वियसली बात है, कोई भी कंपनी जब नया अपडेट लाती है तो ऑब्वियसली बात है कलर एंड ग्राफिक में ज़रूर काम करती है। सो MT15 वर्जन 3 में आप लोगों को नया ग्राफिक एंड नया कलर ऑप्शन 110% देखने को मिलेगा। हालांकि मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों कि यामा जब भी अपनी बाइक में कोई अपडेट लाता है तो नया कलर ऑप्शन ज़रूर लाता है। जैसे कि अभी नया सियानिश शोरूम में कलर आपको मिला था वर्जन 2 में, और R15 में तो बहुत सारे कलर ऑप्शन मिले थे नए, तो आपको वर्जन 3 में भी और भी एक नए कलर ऑप्शन जो है देखने को मिल सकते हैं। बात कर ले दोस्तों बाइक के नेक्स्ट अपडेट के बारे में, तो है दोस्तों इस बाइक की प्लेन सीट को लेकर, जहाँ पे कोई भी अपडेट नहीं है। देखिए, बहुत सारे लोग ने यार कमेंट करके मुझसे पूछते रहते कि भाई MT15 वर्जन 3 जो आती आएगी उसका क्या जो सीट है वो बड़ा होगा? तो उनको देखिए मैं क्लियरली बता दूं कि भाई यहाँ पे यामा की तरफ से ऐसा कोई भी अपडेट नहीं होने वाला। देखिए, इसका रीज़न ये है कि भाई जो MT15 वर्जन 2 या वर्जन 3 जो भी हो, वर्जन 1 हो, इसका जो सीट है ना, ये इस बाइक का प्लस पॉइंट है। हालांकि माइनस पॉइंट भी है, पिलियन सीट को प्रॉब्लम होती है, नो डाउट, मैं उनकी बात को बिल्कुल एग्री करता हूँ। लेकिन दोस्तों, अगर इसकी पिलियन सीट यामा को चेंज करनी है तो उसको पूरा चेसी का डिज़ाइन ही चेंज करना पड़ेगा, जिससे बाइक का जो डिज़ाइन है वो अच्छा भी हो सकता है और ख़राब भी हो सकता है। तो भाई
मुझे लगता है यामा जो है इतना बड़ा पत्ता तो नहीं खेलेगा। ऑब्वियसली बात है, ऑलरेडी MT15 वर्जन 3 इतनी ज़्यादा पॉपुलर है, लोग इसे ज़्यादा सॉरी वर्जन 2 इतनी ज़्यादा पॉपुलर है, लोग इसे पसंद कर रहे हैं, तो फिर यामा ऐसा क्यों करेगा? इसके जो चांसेस है वो ना के बराबर है, आप लोग ध्यान रखिए। बात कर ले दोस्तों प्राइस के बारे में, तो प्राइस तो बढ़ेगा। अभी ये एक्स रूम प्राइस अराउंड मेरे हिसाब से 1,64,000 रुपीज़ के आसपास की एक्स रूम प्राइस आती है, बट नहीं वाली 1,68,000 से 1,70,000 रुपये के आसपास की एक्स रूम प्राइस जाएगी। बात कर ले दोस्तों लॉन्च डेट के बारे में, तो आने वाले 2023 के अप्रैल मंथ में इस बाइक को इंडियन मार्केट में लॉन्च किया जा सकता है। आप कौन कौन दोस्तों इस बाइक का वेट कर रहा है नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। सुमित करते हैं आपकी छोटी सी इंटरेस्टिंग वीडियो अच्छी लगी, क्योंकि वीडियो अच्छी लगी लाइक करना, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लव यू ऑल। जय हिंद, वंदे मातरम।